गुरु साहिब जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निरवैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद परम सन्मानयोग शबर शत्र तख्त दे मालक धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावक पावन पवित्र निघी गोदंदर सुभाईमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ सतगुरां ने कृपा कीती है इन्हां पावन दीवाना अंदर आप साहिबां दी पावन गोद विच बैठ के बड़े प्यार बड़े आदर बड़े सत्कार और बड़ी एकाग्रता दे नाल सतगुर की पावन बाणी कीर्तन दे रूप विच श्रवण कर रहे सो। अज सात संगत सतगुर दी कृपा दे नाल धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी सतगुरां दी पावन मुकद्दस रसना तो उचारण कीती अमृत बाणी जप बाणी दी विचार आपां आरंभ करन जा रहे हां। आओ सब तो पहला अमृतमय बाणी दे अंदरों मंगलाचरण भाव मूल मंत्र जो है उस दा पाठ आप जी ने अज श्रवण कीता है। आओ इन अमृत बचना गुरु की कृपा नाल आपां रल मिल के सांझा करने। आप जितने तन सतगुर की गोद विच जुड़ बैठे हो करो कृपा साहिबां दी पावन बाणी दी विचार आरंभ करन तो पहला आप जी दासरे नूं असीस बख्शो। बुलाओ फतेह जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन बाणी दे अंदरों जदों असी मूल मंत्र जिस रूप विच असी अज सतगुरां ने पावन बाणी दी आरंभ विच बख्शिश कीता है ये पावन स्वरूप अमृतमय बाणी दे अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे अंदर तकरीबन 33 वार ये स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब विच आए है। भाव एक ओंकार तो लेकर के गुरप्रसाद तक पूर्ण जो मूल मंत्र है ये सतगुरां ने कृपा की जदों किसी राग की आरंभता हुई या जदों वारां की आरंभता होंदी है सतगुरां ने यह पावन स्वरूप अमृत बाणी के अंदर बख्शिश किया है। वैसे गुरबाणी के अंदर चार रूपां विच असी इस गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन मूल मंत्र के स्वरूप के दर्शन करते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद ये तकरीबन 9 वार गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी विच आया है। एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद ये तकरीबन सात संगत जी 2 वार गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर आया है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद ये तकरीबन 533 वार गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन स्वरूप के अंदर सानू ये दर्शन होंगे ने। इसी संखेप जी विचार भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर सानू ये पावन मूल मंत्र किन्ना किन्ना रूपां विच सतगुरां ने बख्शिश किते ने पर सच ये है भी इन्हां दा भाव जेड़ा है वह असी किसी रूप विच भी पढ़िए धन गुरु नानक पातशाह जी ने आराग की आरंभता करन तो पहला या जिस वेले धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी की पावन बाणी तो बाद गुरु साहिबाना की पावन बाणी तो बाद भगतां की बाणी आरंभ होई या फिर जिथे खास करके सतगुरां ने गुरु नानक साहिब जी की पावन बाणी तो बाद गुरु अंगद देव साहिब जी की बाणी आरंभ हुई उत्थे सतगुरां ने इस अखीर वाले स्वरूप के सानू दर्शन मिलते ने
इस करके इनकी गिनती बाणी दे विच 533 वार है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे अंदर सब तो पहला है एक ओंकार। एक ओंकार जे शब्द नूं पढ़दे आ जदों आपां एक सतगुर ने इत्थे साध संगत गिनती वाला एक पाया है, अखरां वाला एक नहीं। कई वारी बाणी पढ़दे आ साडे मन विच सवाल भी पैदा होंदा है भी सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने पूरे मूल मंत्र दे अंदर सिर्फ सब तो पहला एक ही क्यों सतगुर ने गिनती वाला पाया, इत्थे शब्दी रूप विच सतगुर ने एक क्यों नहीं लिखिया। साध संगत गुरबाणी दे अंदर एक शब्द सानू तीन रूपां विच मिलदा है, एक ईड़ी नू सिहारी कक्का मुक्ता, एक ईड़ी नू सिहारी कक्के नू औंकड़, एक ईड़ी नू सिहारी ते कक्के नू सिहारी। इन्हां तिन्हां रूपां दे विच जदों एक शब्द असीं पढ़दे हां बाणी विचों ते इन्हां तिन्हां दे अर्थ वक्खो वक्खरे ने। इत्थे सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने किरपा कीती है किते ऐसा ना होवे कि कोई बंदा अपनी जरूरत दे हिसाब नाल इस एक दे अर्थ करके आखे भी नहीं इत्थे इस एक दे अर्थ ये ने। धन गुरु नानक साहब जी ने किरपा कीती एक गिनती वाला गिनती वाचक एक पा के इत्थे साडे सारे भरम सतगुर ने दूर कर दिते भी जिस परमात्मा की मैं गल करन जा रहा वो इको ही है, वो परमात्मा वो अकाल पुरख इको ही है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੋਡ ਇਜ ਫੋਰਮਲੈਸ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अगला शब्द है एक ओंकार। ओंकार शब्द जिहड़ा साध संगत इहनूं तीन रूपां दे विच उचारण किया जाता है, ओ अंग ते कार। ओ शब्द का भाव यह संस्कृत का शब्द है, अमर कोश अनुसार इस दे तीन अर्थ बनते हैं। ध्यान देना ये जिहड़े बचन मैं आप जी के चरणों विच बेनती रूप विच कर रहा इन दे तीन अर्थ बनते हैं। एक अर्थ ते वेद आदिक पुस्तकां दे आरंभ ते अखीर दे विच अरदास जां किसे पवित्र धर्म कारज दे आरंभ विच अखर ओम लिखिया जांदा सी, इनू बड़ा पवित्र मन्या जांदा सी। असी अज भी खास करके साडे घरां दे विच कोई कारज शुरू करना हुंदा है, तुसी वेखो अज थोड़ी जी साडे घरां विच जागृती है, इस करके सानू इन्हां चीज़ां दा पता है। पर तुहाडे विचों कईआं ने सजना ने गुरमुख प्यारिया ने घर विच पुरानियां चीज़ां दे किसे दे दर्शन किते होणगे, जिवें पुराना कोई वही खाता हो गया या पुराने सगन दीआं कापियां हो गईआं, उहनां दे विच सब तो पहला ओंग लिखिया जांदा सी क्योंकि इहनूं आरंभ ते अखीर विच लिखणा पवित्र मन्निया जांदा सी। दूसरा अर्थ साध संगत जी इहदा इह बणदा है किसे हुकम जां प्रश्न आदक दे उत्तर दे विच आदर अते सत्कार दे नाल शब्द बोलिया जांदा है जी हाँ। एक ओंग दे अर्थ जी हाँ दे रूप विच भी कीते जांदे ने। और तीसरा ओंग दा अर्थ है ब्रह्म। हुण गुरबाणी दे अंदर इहनूं किहड़े अर्थ विच लईए, इहदी सानू समझ इस अगे लगे हुए अगेतर लगे हुए एक ही तो मिलेगी कि सतगुर ने किरपा करके इत्थे जिस ओंकार दा जिक्र कीता है वह है एक परमात्मा। धन गुरु नानक साहब कहिंदे ने एक ओंकार कि वह जिहड़ा परमात्मा अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा है साहब कहिंदे ने वह एक है, ते कार शब्द का अर्थ है वह जो लगातार एक रस इस कुदरत दे अंदर व्यापक है। ध्यान देना कार शब्द उपरों मूह खुला है, इहना मतलब है वह जिहड़ा परमात्मा एक है वह सर्व व्यापक है, वह एक रस व्यापक है। धन गुरु नानक साहब कहिंदे ने एक ओंकार वह परमात्मा अकाल पुरख एक रस व्यापक है संसार के अंदर, वह एक है
ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਏਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਹੇਰਾ। ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਭਾਵ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਓਅੰਕਾਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਨਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਸਤ ਤੇ ਨਾਮ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਨਾਮ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਆ। ਸਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਧਾਤੂ ਅਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਤ, ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਆਇਆ, ਬੀਠੁਲ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਏ, ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਰਹੀਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਕਰੀਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਤ ਨਾਮ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਕਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਰਖ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ।
मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल अक्सर देना हुना, आपां भी को गुरु दी गोद विच बैठे हाँ, इत्थे आ माइक राही मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही है। ये अजोके समय विच साधन बड़े चंगे हो गए, तुसी इको समय विच अपनी गल किन्नी दूर तक पहुंचा सकते हो। आ सामने मोबाइल चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये गल सोशल मीडिया दे राही जा रही है। हुण इन्हां चीज़ां नूं बनाउण वाला कोई है? पर जिन्हां ने ये चीज़ां बनाईयां ने, उन्हां ने इन्हां चीज़ां नूं बना के बाजार दे विच वेच दिता, रख दिता, विक गईयां। अज ओ मनुख किसे थां ते बैठे ने, उन्हां दीयां बनाईयां चीज़ां किसे थां ते ने। सतगुरु गुरु नानक साहब जी कहिंदे ने, ओ जिहड़ा परमात्मा है ना, ओ इहो जिहा क्रिएटर है, ओ इहो जिहा करता है। धन गुरु नानक साहब पातशाह जी कहिंदे ने, ओ बना के अंदर समाया होए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। सतगुर कहिंदे ने, हे मेरे मन तू जोत स्वरूप है, तेरे अंदर करता है, तू करते दा रूप है। धन गुरु नानक साहब जी कहिंदे ने, ओ करता पुरख है, ओ सब कुछ बना के इहो जिहा क्रिएटर है, अपनी कुदरत नू साज के अपनी कुदरत दे अंदर समाया होया। उन्दे तो बिना कुछ भी नहीं, उन्दी होंद तो बिना कुदरत इस संसार दा पसारा नहीं। इस करके सतगुरु कहिंदे ने करता पुरख। फिर पातशाह जी कहिंदे ने निरभउ। निरभउ शब्द दा अखरी अर्थ हुंदा है जिन्नू किसे दा भय नहीं। ध्यान देना, जिस नू किसे दा डर नहीं, जो डर तो रहत है। धन गुरु नानक साहब कहिंदे ने, जिहड़ा करता परमात्मा अकाल पुरख है, उन्नू किसे दा भय नहीं है, वह निरभउ है, उन्दा किसे दे उन्नू किसे दा भउ नहीं, डर नहीं। संसार दे अंदर डर उस बंदे दे अंदर हुंदा है, एक ते जिंदा संसार विच कोई दुश्मन होवे, दूसरा उस बंदे नू डर हुंदा है जिन्नू संसार दे अंदर किसी चीज दे नाल बड़ा नी हो जाए, ने या इंज कह लो मोह हो जाए। सतगुरु कहिंदे नू, जिहड़ा करता परमात्मा जी ने सारी कुदरत नू साजे है। धन गुरु नानक पातशाह जी कहिंदे ने, ओ परमात्मा अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा, सतगुरु कहिंदे ने निरभउ है, उन्नू किसे दा भय नहीं। तां ही बाणी विच आपां शब्द पढ़दे हां, जिन निरभउ जिन हर निरभउ ध्याया, जी तिन का भउ सब गवासी। जिस ने परमात्मा अकाल पुरख नू ध्याया है, निरभउ नू ध्याया, उन्दे जीवन विचों सब भउ खत्म हो गए। ध्यान देना, करते परमात्मा अकाल पुरख नाल इहो जी हस्ती नाल जुड़ना क्यों है, इन्हां गुणां नूं सतगुरु ने क्यों बयान कीता है, तां कि निरभउ नाल जुड़ के साडे अंदर दा भउ भी खत्म हो जाए। हुण जदों असीं बाणी विचों बाबा कबीर साहिब जी दे दर्शन करने आ, एक पासे समुचा संसार जगत, और जिन्हां हालातां विच बाबा कबीर साहिब एक परमात्मा दी गल करदे ने, जिस परिवार जिस जात विचों खड़े होके गल करते ने, यह कोई निरभउ बंदा ही कर सकता है, कोई आम इंसान कोई डर विच जीन वाला नहीं कर सकता। समय दे पुजारी नूं मुखातब होके सवाल करना, समय दे हकूमतदार जिहड़े लोग ने रसूखदार लोग, उन्हां नूं मुखातब होके गल करना, और फिर इस प्रथाए बाबा कबीर साहब कहिंदे ने एक नहीं, बहुत ही वार यतन भी किया गया भी बाबा कबीर साहब जी नूं मारन दे लई हाथी दे अगे पोटली बना के सुट दिता गया। पर जिहड़े निरभउ नाल जुड़े ने, इसे करके सतगुरु कहिंदे ने करते दा इह गुण है कि उहनूं किसे दा भउ नहीं है, उह किसे दे भै विच नहीं जींदा, क्योंकि जिहनूं किसे दा भै होएगा उह उहदे भै दे विच अपना कर्म करेगा। कोई मान लो किन्ना भी संसार दे अंदर बंदा समर्थ होवे, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ, ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ असी अजोके समय विच बड़े वैर बना के बैठे हैं, प्यो पुत्र धियां परिवार
रिश्तेदार चाचे ताए तुसी वेखो किन्ने वैर ने संसार विच। और वैर कितों जन्म लेंदा है? जदों तुहाडे अंदर किसी मनुख दे प्रति जैलसी पैदा होंदी है, जदों तुहाडे अंदर इस गल दी होंद पैदा होंदी है भी जिहड़ा सामने वाला है वह मेरे तो अगे क्यों निकल गया, जदों तुसी सामने वाले की किसी क्वालिटी तो किसी गुण तो अपनी नमोशी विच आ जांदे हो उदों तुसी इह शब्द वरतदे हो भी हाँ इस बंदे दे नाल हुण मेरा वैर है। धन गुरु नानक साहब कहिंदे ने जिहड़ा करता परमात्मा हुंदा किसी नाल वैर नहीं, वह ते निर्वैर है, क्योंकि वह वैर उहदे नाल रखे जिहनूं किसी का भाव होवे डर होवे, जिहनूं किसी का डर नहीं हुंदा किसी दे नाल वैर भी नहीं। इस करके सतगुरु कहिंदे ने जे रब नाल जुड़ना है अपने अंदर एक गुण पैदा कर भी तेरा किसी नाल वैर ना होवे। आपां बाणी दे दर्शन करने अमृत बाणी पढ़ते हाँ तो मेरे सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं किन्नियां एग्जाम्पलां ने बाणी दे अंदर जिते सतगुरु ने किरपा करके समझाया है भाई ये सारा जगत जिहड़ा है अब लला नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। इस करके सतगुरु कहिंदे ने किसी दे नाल वैर ना रख, करते दे गुण अंदर पैदा कर वह निर्वैर है ते उन्दे नाल जुड़ के निर्वैर बन। फिर सतगुरु कहिंदे ने निर्वैर अकाल मूरत दोवें शब्द वखरे ने, अकाल का मतलब है काल तो रहत, मूरत का मतलब है हस्ती, उन्दी जिहड़ी हस्ती है सतगुरु जी कहिंदे ने वह समय के अधीन नहीं, वह समय तो रहत है, उन्दे ते समय का प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो समय के अधीन होएगी उन्नू जन्म ते मरण होएगा, वह जमेगा भी फिर कर्म करेगा एक दिन मरेगा भी कर्मां दे आधार ते फिर जन्मेगा। पर सतगुरु कहिंदे ने उस परमात्मा दी हस्ती समय दे अधीन नहीं है, वह समय तो बाहर है, वह समय दे अधीन नहीं है। तां ही सतगुरु ने बाणी दे अंदर शब्द वरते ने पातशाह जी कहिंदे ने वह करता वह परमात्मा अकाल पुरख वह अकाल मूरत है जिन्हों आपां शब्द उन्हें पढ़े सन एकम एकंकार निराला अमर अजोनी जात ना जाला, वह अमर है अजोनी है, उन्दे ते समय का या जातों का वर्णा का किसी चीज़ का प्रभाव नहीं। पातशाह कहिंदे ने अकाल मूरत अजूनी, अजूनी का मतलब है जो जूना विच ना आवे। इस संसार विच हर चीज़ जिहड़ी है सात संगत जो जूना दे विच है जून विच आई है उन्दे ते समय का प्रभाव है एक दिन जाएगी भी, परमात्मा जूना विच नहीं है, परमात्मा जोत स्वरूप है, वो जोत स्वरूप मेरे अंदर तुहाडे विच सारी खलकत विच एक रस व्यापक है। सबै कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे, जिवें अनेकां मणके एक धागे दे विच परोए जांदे रे, मणकियां दी गिनती वक्खो वक्खरी हो सकदी पर धागा इको ही है। इसे तरह परमात्मा एक है, माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हार है, ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुम्हार है। सतगुरु कहिंदे ने ओ अजूनी है, ओ जूना तो रहत है, उन्दे ते समय का प्रभाव नहीं। फिर साहब कहिंदे ने सहभंग, सहभंग जिहड़ा शब्द है सात संगत यह स्वयंभू शब्द तो निकलिया होया शब्द है, इहदा मतलब है अपने आप तो होने वाला, उन्दी होंद माता पिता तो जिवें साडी होंद माता पिता तो होई है। बाणी कहिंदी मात पिता बिन बाल ना होई, साहब कहिंदे ने मां पिता तो बिना बच्चे की उत्पत्ति नहीं, कुदरत का नियम है। पर सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा करता परमात्मा है वह स्वयंभू है, सहभंग है, उन्दी होंद अपने आप तो या अपने आप तो होंद विच प्रकाशमान है, उन्हों अपने प्रकाश लिए किसी की जरूरत नहीं। ते अंत विच सतगुरु कहिंदे ने गुर प्रसाद, इहो जिहा जिहड़ा गुरु है इहो जिहा जिहड़ा करता है मालक है अकाल पुरख है, सतगुरु कहिंदे ने गुरु दे प्रसाद नाल गुरु की कृपा दे नाल गुरु की बख्शिश दे नाल मिलदा है, इहो जिहा जिहड़ा मालक है साहिब कहिंदे नूं मिलदा है। पर मिलदा किवें है? धन गुरु नानक साहिब कहिंदे नूं मिलदा है गुरु की कृपा दे नाल, गुरु की बख्शिश दे नाल, गुरु की रहमत दे नाल, वो गुरु की कृपा तो बिना नहीं मिलता। ता ही सतगुरु पातशाह जी पावन बाणी विच कहिंदे ने गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे,
गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द शपुन अगन कटे सब तेरे। सो सतगुर ने मूल मंत्र विच सात संगत जो सानू विचार बख्शिश कीती है एक बार फिर आप सरसरी जी नज़र मार लिए भी एक ओंकार जो एक है सर्व व्यापक है सदीवी है एक रस व्यापक है सतनाम जो सदीवी है ते होंद वाला है करता पुरख जो क्रिएटर बनान वाला ते बना के अंदर समाया होया है निरभौ जिन्हों किसी का भय नहीं निरवैर जो वैरां तो जिंदा संसार विच किसी दे नाल वैर नहीं पातशाह कहिंदे ने अकाल मूरत जिंदी मूरत समय दे अधीन नहीं जिंदी हस्ती समय तो रहत है अकाल मूरत अजूनी जो जूना दे अंदर नहीं सहभंग जिंदा प्रकाश स्वयं तो अपने आप तो है ते गुर प्रसाद एहो जिहा जिहड़ा मालक सतगुर है गुरु की कृपा दे नाल मिलदा है। सतगुर कृपा करन इन्हां बचनां नूं अगे जो पहला श्लोक है उनकी विचार आपां अगले दीवाना दे विच सतसंगत आप संगत दे रूबरू करांगे। आप जी ने कृपा करनी आशीषां बख्शनियां हुई गलतियां बख्श लैनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा।